शिवसेना सांसद भावना गवई ईडी के निशाने पर है। ये समस्या कम नहीं होती तो वे अब खुद पक्ष के निशाने पर है। वाशिम के शिवसेना के पूर्व उपजिला प्रमुख ने भावना गवई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। शिवसेना सांसद भावना गवई पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। कुछ दिन पहले ईडी ने वाशिम सहित अन्य स्थानों में छापेमारी भी की थी। मंगलवार को राष्ट्रवादी के सर्वेसर्वा शरद पवार ने भावना गवई के बारे में बोलते हुए कहा था कि भावना गवई के पास उसे चार संस्थान है और ईडी बिना वजह कार्रवाई कर रही है, मगर पवार के वक्तव्य का खंडन कुछ शिवसेना की ओर से किया गया है। वाशिम के पूर्व जिला प्रमुख हरीश साडा, इन्होंने कहा कि भावना गवई ने शरद पवार को गलत जानकारी दी है, इसलिए उन्होंने ये गलत वक्तव्य किया है। सरडा ने बताया कि भावना गवई की कुछ 11 संस्था है जिसमें करोड़ों के व्यवहार होते हैं। गवई ने खुद की संस्था को लाखों रुपए की निधि दी और उसी संस्था पर करोड़ों रुपए के लोन लिए हैं और वे थकित भी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक। भावना गवई का जो व्यावसायिक भागीदार है सईद खान शेरगुल खान पात्री ज्याच्या इथे ईडीच्या रेड पडल्या त्याच्या कंपन्या आहेत 7। त्याच्यानंतर भावना गवळीने सांगितलं शरद पवार साहेबांना की माझ्या 2-3 संस्था आहेत। भावना गवळीच्या 11 संस्था आहेत, त्यातल्या 2 संस्थांना वार्षिक 2.5 ते 3 कोटी रुपये केंद्र सरकारचा निधी मिळतो। त्यांच्या संस्थेमध्ये BAMS कॉलेज आहे, बी फॉर्म कॉलेज आहे, पब्लिक स्कूल आहे, कॉन्व्हेंट स्कूल आहे, रेसिडेन्शियल स्कूल आहे, यवतमाळ आहे, शिरपूरला आहे, परंतु तिने पवार साहेबांना फक्त 2-3 संस्था असल्याचं खोटं सांगितलं। बंधूंनो, ॲनेक्सर डीमध्ये भावना गवळी यांनी स्वतः अध्यक्ष असलेल्या महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान या संस्थेला 73,05,597 रुपये निधी दिला। वास्तविक आपण ज्या संस्थेचे अध्यक्ष आहोत, आपण ज्या संस्थेचे सदस्य आहोत, त्या संस्थेला कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला निधी देता येत नाही। या कायद्यामध्ये ह्या डिस्क्वालिफाय होतात, याचं प्रकरण अजून दाखल करायचं आहे। त्याची ही सर्टिफाईड कॉपी मी आपल्यासोबत दिलेली आहे। बरं, महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान या संस्थेला 73 लाख रुपये भावना गवळींनी निधी दिला आणि त्याच संस्थेसाठी पुसद अर्बन बँकेकडून 5 कोटी रुपये बांधकामासाठी लोन घेतलं, कर्ज घेतलं। हे कर्ज घेत असताना पब्लिक ट्रस्टला बँकेचं लोन घेत असताना चॅरिटी कमिशनरची परवानगी पाहिजे। 5 से BCN न्यूज नागपूर।